तो वेलकम गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर द आर सनारत पर। आप लोग कैसे, मुझे लगता है एकदम झकास होंगे। और आज मैं आया हूँ गाइस बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे, जैसा कि आप लोग ने टाइटल में देख लिया होगा, बहुत ही सुंदर जगह है। और यहाँ पर मैं पहले भी आ चुका हूँ, दो दो तीन तीन बार आ चुका हूँ। रेस्ट, यहाँ का जो रेस्ट हाउस है, उस रेस्ट हाउस में भी मैं रुका हूँ। और सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, कितना सुहाना अच्छा लगता है ना, शाम को भी और वगैरह। और ये जो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये है बाणभट्ट की तपोभूमि। और बाणभट्ट ने जो पहला दुनिया का पहला उपन्यास कादंबरी वो यहीं पर ही लिखा था। और ये जो मेरे पीछे दिख रहे हैं खूबसूरत लोकेशन, ये सोन नदी है, पूरी सोन नदी है ये, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो हम अभी नीचे तरफ चल रहे हैं, मैं भी चल रहा हूँ यार, और मेरे साथ अभी आए हैं धर्मेंद्र भैया। तो ये दृश्य बहुत अच्छा लग रहा है यार, ये दद्दू है ना, वहाँ नीचे से आ रहे थे। चाम चलेंगे नीचे अब। तो धर्मेंद्र भैया पहुँच चुके हैं नीचे। तो गाइस ये है धर्मेंद्र भैया हमारे, हाय करो धर्मेंद्र भैया, हाय करो। और यहाँ पर मंदिर है, और सोन नदी के उस पार भी मैं गया हूँ गाइस, उस पार, उस पहाड़ी पे भी गया हूँ जहाँ मंदिर है छोटा सा एक। मैंने अभी आप लोगों को दिखाया नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से। और सामने बहुत अच्छी, देखिए वाह, बहुत ही सुंदर यार, बहुत सुंदर। हाँ, कैसा लग रहा है गाइस, कमेंट करके बताइएगा। और देखिए वो पशु, हाँ वो तो पशु जा रहे हैं ना। हाँ, मैं पहले आया हूँ तो इस पार से उस पार गया हूँ जहाँ पे वो गाय जा रही ना, पैदल गया हूँ यहाँ से। और पानी इतना इतना रहता है, मतलब घुटने से ऊपर हल्का सा आ जाता है, डूबते नहीं है, इतना रहता है। और यहाँ पर एक मंदिर है, ये मंदिर इसको, अरे यार नीचे भी देखकर चलना पड़ेगा, लकड़ी है। तो मंदिर है, मंदिर में चलते हैं। जय जय श्री रामचंद्र भगवान की जय, जय बजरंगी। तो गाइस माँ काली की प्रतिमा रखी हुई है यहाँ पे, और यज्ञ कुंड बना हुआ है, और जय बजरंगबली। कितना खूबसूरत लग रहा है यार यहाँ। और ये भोले बाबा की पिंडी है यहाँ पर। और वो जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है, वो वाइट दिख रहा है जो आपको, वो बाणभट्ट जी का मंदिर है, जो कवि थे संस्कृत के, जिन्होंने कादंबरी उपन्यास लिखा, जो दुनिया का सबसे पहला उपन्यास है। और ये प्रतिमा रखी हुई है, शिला, ये शिला पे कुछ लिखा हुआ भी है, कुछ लिखा है नेत्रवाला, समझ नहीं आ रहा, बट पूरे कुछ लिखा हुआ है। देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, बहुत ही खूबसूरत। अभी इसमें क्या, नदी में पानी थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है मुझे, पर मैं उस पार गया था और काफी लोग थे मैं जो गए थे। आज मैं शायद उस पार जा पाऊंगा, इस पार नहीं जाऊंगा। पर मुझे बहुत अच्छा लगा यार कि पुरानी यादें ताज़ा हो चुकी है, कि यार मैं यहाँ पर पहले भी आया हूँ और काफ़ी लोग मेरे साथ आए थे। और देखिए ऊपर कितना अच्छा वो बना हुआ है, गुम्बद टाइप बना हुआ है, तो मस्ती सोच रही है इनको, मस्ती कर रहे हैं ये, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। कौन सी लकड़ी है, इन्नी लकड़ी लेके चल रही है, देख पंछी भी लकड़ी लेके चल रहे हैं। वही तो मंदिर है, उसी मंदिर में गए थे गाइस। ये जो मंदिर दिख ना पहाड़ी पर, बहुत सुहाना है यार, बहुत ही सुहाना मंदिर है। और इनको मस्ती सोच रही, देखो वहां कितनी दूर चलेगा। और मुझे भी मस्ती आ रही है, ओ बाप रे, ओ मम्मी
हाल ऐसा लग रहा है जैसे दशरथ मांझी ने खोदा था ना, गेट दुख जा रहा है। हाँ, गेट चढ़ाई तो कोई ट्रक जा रही, ले लो उसका वेट। ये पुल पर, हाँ, पुलिया पर से गाड़ी जा रही पूरी। हाँ, उड़ा हुआ गेट चढ़ाई चढ़ेगी तो जनाएगा कि हाँ वो इस चढ़ाई पहाड़ तोड़ के। तो दशरथ मांझी जैसा, ये ऐसा लग रहा है कि दशरथ मांझी जैसा वो जो उन्होंने पहाड़ काट कर बीच में से रास्ता बनाया था, वैसा ये लग रहा है ये भी कि बीच में से पहाड़ काटा हुआ है और रास्ता बनाया गया है। मस्त। तो अभी अभी चलते हैं, अभी ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर रखे हुए हैं। वाह 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 यार, घूमने का मज़ा अपना ही एक अलग ही है यार, एक आनंद आता है घूमने में। अक्सर उस तरफ जाने के लिए हमें छलांग लगानी पड़ेगी, उस तरफ से चलते हैं तो अच्छा रहेगा। समय हो रहा है 4:30 बज रही है और हमें जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार, एक काम के पीछे लिए मैं आया था, बट मेरा ये भी काम हो चुका है कि मेरे को ये लोकेशन आप लोगों को दिखानी थी, इतनी सुंदर इतनी खूबसूरत। गाइस, अगर रीवा या सीधी आए ना आप, तो रीवा से शायद 60 किलोमीटर दूर पे है और सीधी से 30-35 किलोमीटर दूरी पे होगा शायद। हाँ, इतने ही समथिंग मान लो, है ना। तो यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए जब आए तो, वरना ऐसे नहीं, ऐसे भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। आह, बहुत ही सुहाना। पुरानी सारी आदत आ जाती है जी, सच बोल रहे हैं। ये बच्चे जैसे मतलब मस्ती ऐसी सूझ रही इनको। गजब। किनारे एक बंगलोर ओ जी ओई जो आई। गाइस, पत्थर बहुत बड़े बड़े पत्थर है, बड़ा संभल के चलना पड़ेगा। यार एक है ना बहुत बड़ा मिस्टेक, मतलब मिस्टेक क्या, गलती से नुकसान हो चुका कि मेरा जो स्टैंड था, कैमरा स्टैंड, वो टूट चुका। मैं कैसे बनाता वीडियो फिर, इसलिए हाथ से करना पड़ रहा मुझे, नहीं तो अभी स्टैंड रहता तो ऐसे बताता आप लोग। दो भाग में नदी हो गई। अच्छा, उस तरफ भी जा रहा। अच्छा, सोन में से रेती निकल, देखिएगा इस रेत कितनी सारी है, रेत रेत। ये पहाड़ ऐसा लग रहा जीवित पहाड़ है, अभी बोल उठेगा ये पहाड़, मुझे ऐसा लग रहा है। ये ऐसा लग रहा है गाइस मुझे कि ये पहाड़ अभी बोल उठेगा। आराम से पैर सरकेगा, आराम से आराम से उतरना चढ़ना। यो ऐसे ऐसे, हाँ हाँ, उधर ना जाना, शर्ट से चले जाओगे, बहुत गहरा है। मंगर फिर अभी मंगर इधर आते हैं। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे लिए, वो मंदिर भी आ गया, आप भी आ गए। किनारे में मंदिर है या किनारे में आप भी हैं। सरके का पैर हिसाब से करना। आराम से, आराम से, आराम से। तो गाइस काफी मजा आ रहा है यार यहाँ पर। कितने सारे पहाड़ है यार। अरे हाँ रे बमाई, अरे हाँ सोन भाई। भैया इसको स्टॉप कर, स्टॉप करेंगे थोड़ा ले लें तब आपको दम फिनिश। एक गुफा ले लो, गुफा। पहाड़ों के ऊपर पेड़ उग चुके गाइस। तो गाइस शाम का वक्त हो रहा है, धीरे धीरे
और पर व्यू काफ़ी अच्छा है, जाने का मन नहीं करता यहाँ से, बट क्या करें, जाना ज़रूरी है ना। सोन नदी भी घूम ली हमने, बाणभट्ट की तपोभूमि भी हमने घूम ली, अब यहाँ से हम जाएंगे मीनाक्षी दीदी के वहां पर, और यहाँ पे आवाज गूंज रही है मेरी तो, और देख कितनी है। रहेगा ऊपर की तरह, चलो ऊपर की तरह दौड़ के, ऊपर की ही तरह चलो वैसे, हाँ चढ़ते चलो, हम लेते आ रहे हैं पीछे से। क्या है कि वो इतना अच्छा दिन है और इतनी अच्छी रात है और इतना अच्छा तमाम इस जगह इस दिन को।